आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। एक बार फिर से हम आपके सामने प्रभु का मैसेज लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो भी हम प्रभु का वचन लेकर आए हैं वो आपके लिए है, और जितने दर्शक देख रहे हैं उन सभी के लिए। अगर आप विश्वास करते हैं तो सचमुच वो वचन आप ही के लिए, क्योंकि परमेश्वर का हर एक वचन उसमें हमारे लिए आशीष और सीख होती है। तो चलिए ना ज़्यादा समय लेते हुए परमेश्वर की वचन की ओर चलते हैं, जो कि आज परमेश्वर ने हमें क्या वचन दिया है उस वचन की ओर चलते हैं। तो आप सब मेरे साथ भजन संहिता का 23वां अध्याय निकालेंगे। तो प्रभु का वचन हमसे क्या कहते हैं, प्रभु का वचन है आज का, यहोवा मेरा चरवाहा। देखिए, यहोवा सचमुच हमारा चरवाहा है। जिसरा एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, वैसे ही हम भी प्रभु की भेड़े हैं और प्रभु हमारा चरवाहा है। अगर सचमुच हमारा चरवाहा परमेश्वर है तो हम कोई रास्ता ना भटके, क्योंकि हम परमेश्वर की भेड़े हैं। और जब एक चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है, अगर उसमें से एक भेड़ भी गुम हो जाती है तो उस चरवाहे को जो भेड़ चल रही है उनकी टेंशन नहीं, बल्कि जो एक गुम हो चुकी है उसकी सबसे ज्यादा चिंता होती है। तो उनमें से एक हम सभी हैं दर्शकों, क्योंकि परमेश्वर हमें ढूंढ कर, हमें खोजी है वो हमारा, वो हमें ढूंढ कर निकाल रहा है, क्योंकि हम उसकी खोई हुई भेड़ है। तो सचमुच प्रभु हमारा चरवाहा है। तो जानिए प्रभु का वचन क्या कहता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। देखिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये वचन जो है, अगर आप सचमुच से ग्रहण करते हो, अगर आप मानते हो कि सचमुच परमेश्वर ही मेरा चरवाहा है और मुझे किसी चीज़ की कोई कमी होगी ही नहीं, तो सचमुच आप यकीन मानिए आपके जीवन में आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। क्योंकि जब चरवाहा हमारा परमेश्वर है तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो सकती, क्योंकि परमेश्वर जो उसको उसके पास तो किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं है। तो इसीलिए परमेश्वर हमारा चरवाहा है, हमें किसी चीज़ की घटी ना होगी। आगे जानते हैं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। देखिए, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, इसका मतलब ये है, हरी हरी चराइयों का मतलब हरी हरी घास, जहाँ हरी घास होती है, जहाँ बाग बगीचे होते हैं, वहाँ पर हमें बैठकर कितना सुकून और कितनी शांति मिलती है, वहाँ पर हमें कितना अच्छा मिलता है, लगता है। तो आप जान सकते हैं इस वचन के द्वारा कि परमेश्वर कितनी बड़ी बात हमसे कह रहा है। हरी हरी चराइयों, जैसे जैसे हमें सुख शांति मिलती है वहाँ पर, ऐसे ही हरी चराइयाँ जहाँ पर हमें बहुत आशीष मिलेगी उस जीवन में, ऐसी हरी हरी चराइयों में परमेश्वर हमको लेकर जाएगा, वहाँ हमें बिठाएगा और वो सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। सुखदाई झरना, जहाँ पर किसी चीज़ की हमें कोई कमी ना हो, जहाँ पर सुख हो, जहाँ पर समृद्धि हो, वहाँ पर हमें उस झरने के पास प्रभु लेकर जाएगा। जिस तरह पानी झरने से बह रहा है, वैसे ही सुख की नदियाँ, सुख का झरना वहाँ से बहेगा। उस ही झरने की यहाँ पर बात की जा रही है कि सुखदाई झरने के पास लेकर जाएगा, जहाँ पे कोई दुख, जहाँ पर कोई बीमारी नहीं होगी, जहाँ सचमुच परमेश्वर जो है वो हमारा चरवाहा है। और सचमुच एक चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए बहुत कुछ सोचता है, इसी तरह हमारा परमेश्वर भी हमारे लिए बहुत कुछ सोचता है। आगे है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम से निमित्त मेरी अगुवाई करता है। देखिए, जब हमें कुछ अच्छा मिलता है, हमारे लिए कुछ अच्छा हो जाता है, हमें किसी भी चीज़ की टेंशन होती है और हम उस टेंशन से निजात पाते हैं, तो हम कैसे करते हैं, हाँ हमारे जी में जी आ गया। तो वही चीज़ परमेश्वर कह रहा है कि वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम से निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। और जो धर्म के मार्ग हैं उनसे वो मेरी अगुवाई करेगा। सचमुच हम अच्छे काम करें,
परमेश्वर की सुने और परमेश्वर को अपना सब कुछ माने, सच में हमारे जीवन में सुखदायी जर्ने के पास प्रभु में लेकर जाएगा। और इस हरी हरी घास उगते ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारी आशीषें आएंगी। तो इस वचन को आप ग्रहण करें और इसे माने कि प्रभु हम इसे ग्रहण करते हैं यीशु के नाम में। पिता परमेश्वर और प्रभु जी, इस वचन के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी आशीष है। मैं भी प्रार्थना करती हूँ इस वचन के द्वारा आप जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। तो चलिए इस वचन के साथ हम आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि इस वचन के द्वारा आप सभी के जीवनों में बहुत सारी प्रभु आशीष लेकर आए। तो चलिए मेरे साथ अपनी आंखें बंद करेंगे हम, एक मन और एक आत्मा इकट्ठा होकर प्रभु के सामने अपने घुटने टिकाकर प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही के द्वारा हम प्रभु से बात कर सकते हैं और प्रभु हमसे बात करते हैं अपने वचन के द्वारा। तो प्रभु ने इतना सुंदर पवित्र कलाम आपको दिया है, प्रभु ने आपको बताया कि मैं ही आपका चरवाया हूँ, तो आप इस वचन को ग्रहण करें और प्रार्थना में चल रहे। तो चलिए अपनी आंखें बंद कर दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद करते महान जीवित परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करते खुदाबंदी यीशु राजा जी। प्रभु जी हम सचमुच प्रभु जी आपके पास आते हैं पिता परमेश्वर, एक मन एक आत्मा होकर प्रभु जी, और प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते पिता परमेश्वर। हम सभी को क्षमा करें प्रभु जी, कोई जाने अनजाने में हमसे गलती हुई है प्रभु जी, हम सबको क्षमा करें प्रभु पिता परमेश्वर। आप सचमुच महान है पिता परमेश्वर, आपकी जितनी तारीफ की जाए पिता परमेश्वर उतनी कम है प्रभु जी, और जितना धन्यवाद करें प्रभु जी वो भी कम है प्रभु जी, क्योंकि पिता परमेश्वर आप सचमुच महान है पिता परमेश्वर। मैं सचमुच आपका पिता परमेश्वर तारीफ करती हूँ पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती खुदा मनीषी राजा जी। अब प्रभु जी जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु जी, बच्चों से लेके जवान बुजुर्गों तक पिता परमेश्वर मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। खुदाबंद यीशु राजा जी उनके जीवन जिंदगी से किसी प्रकार की कोई बीमारी कलेश या कोई टेंशन है तो इसी वक्त यीशु के नाम से निकल जा और दूर हो जा, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से इसी वक्त निकल और दूर हो जा और द्वारा कभी प्रवेश न करना। धन्यवाद यीशु राजा जी। प्रभु जी उन सभी दर्शकों को मैं आपके हाथों में सौंपती और उनको आपके पवित्र लहू से कवर करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप उनका धन्यवाद पिता परमेश्वर, वो आपका धन्यवाद करें पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप सच में सुन लेते हैं प्रभु जी पिता परमेश्वर, उनको धन्यवाद कहने वाला बनाए प्रभु जी, धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जो आज आपका वचन था पिता परमेश्वर इतना सुंदर प्रभु जी, मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि सचमुच प्रभु जी आप हमारे चरवाहे हैं प्रभु जी, और हमें किसी चीज़ की कोई घटी ना होगी प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन ऐसा कहता है कि मैं तुझे हरी हरी चराइयों में लेके जाऊँगा, सुखदायी जल के झरने के पास ले चलूँ। और हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने अपने वचन के अनुसार पिता परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में कार्य पूरे हुए प्रभु जी, और जितने दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनके जीवन में भी ये कार्य पूरे हुए इस वचन के अनुसार। मैं धन्यवाद करते हूँ आपका पिता परमेश्वर, विश्वास करते हूँ यीशु के नाम में, आमेन। तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, क्योंकि हर एक वचन अगर हम लेकर अपनी ज़िंदगी में चलते हैं, अगर उसे मानते हैं हमारे लिए है, सचमुच अपनी ज़िंदगी में उस वचन को लेकर चलेंगे तो वो वचन आपकी ज़िंदगी में उसी वक्त काम कर देते हैं। तो आप परमेश्वर में बने रहिए, परमेश्वर के साथ लगातार अपने कमेंट्स देते रहिए, और इसी तरह परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में आपको दया और करुणा की प्रार्थना के बारे में बताया था, तो आप कंटिन्यूसली वो प्रार्थना कीजिए, क्योंकि अगर परमेश्वर का अनुग्रह और दया अगर आप पर है तो सचमुच आपको किसी चीज़ की कोई घटी नहीं होगी। तो आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए और परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर के साथ लगातार बने रहिए। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही प्रभु का वचन और आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, आमेन। नेशनल बस पर लेटेस्ट न्यूज और एंटरटेनमेंट वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।